हेलो एवरीवन वन माइ से लिवानशी वेलकम टू डेटोफ्लिक्स टूडेज टॉपिक ऑफ वीडियो इज हाउ टू स्टडी एंड द बुक्स फॉर बीडीएस सेकेंड ईयर इन दिस वीडियो वी विल बी डीलिंग विद द सब्जेक्ट्स ऑफ बीडीएस सेकेंड ईयर सेकेंड ईयर बीडीएस में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं कौन सी स्टैंडर्ड बुक्स होती है कौन सी रेफरेंस बुक्स होती है एग्जाम पैटर्न क्या होता है सेकेंड ईयर ऑफ बीडीएस का हाउ टू स्टडी आपको स्टडी कैसे करना चाहिए मैं आपको कुछ टिप्स देने वाली सब्जेक्ट ऑफ बीडीएस सेकेंड ईयर सेकेंड ईयर ऑफ बीडीएस में कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने को मिलेगे डेंटल मेटीरियल्स जनरल पैथोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी फार्माकोलॉजी प्री क्लिनिकल प्रोस्टोडिक्स प्री क्लिनिकल कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री जिसे आप बोलते हो कॉन्स मटेरियल्स, जनरल पैथोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी और फार्माकोलॉजी ये चारों सब्जेक्ट्स एग्जाम गोइंग सब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों ही आपको देना होता है प्री क्लिनिकल प्रोस्टोडोनटिक्स एंड कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री ये दोनों सब्जेक्ट्स होते हैं जिनका आपको सिर्फ प्रैक्टिकल देना होता है कोई थ्योरी एग्जाम नहीं होता डेंटल मटेरियल्स नाम से ही क्लियर है द यूज्ड इन द डेंटिस्ट्री आई है प्रीवियस वीडियो दैट अ स्मॉल पोर्शन ऑफ डेंटल मेटीरियल इन फर्स्ट ईयर एंड द रिंग मेजर पोर्सन विल बी कवरिंग इन द बीडीएस सेकेंड ईय और इसका एग्जाम भी आपको बीडीएस के सेकेंड ईयर में ही देना होता है इसके लिए स्टैंडर्ड बुक्स होती है फिलिप्स साइंस ऑफ डेंटल मेटीरियल्स क्रेज रेस्टोरेटिव डेंटल मेटीरियल माई पर्सनल फेवरेट चॉइस फॉर द डेंटल मेटीरियल्स इज बेसिक डेंटल मेटीरियल्स बाई जॉन जे मनापल इसमें काफी कॉन्साइज दिया अंडरस्टैंडेबल एंड सिंप्लीफाइडल मेटीरियल्स एग्जाम पैटर्न एग्जाम का क्या पैटर्न होता है डेंटल मैटी का थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल एक थ्योरी होता है और एक प्रैक्टिकल होता है थ्योरी में सेवेंटी मार्क्स का थ्योरी पेपर होता है थर्टी मार्क्स का वाइवा होता है ऑन द डे ऑफ प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल आपका 100 मार्क्स का होता है डेंटल मटेरियल्स के प्रैक्टिकल में क्या क्या होता है वाइवा होता है मिक्सिंग होती है किसी भी एक चीज को आपको मिक्स करने को बोला जाता है जैसे कि पीओपी हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस डेंटल स्टोन हो गया या फिर एल्जीनेट हो गया या फिर किसी भी एक डेंटल सीमेंट को मिक्स करने को बोला जाएगा आपको स्पॉटिंग्स में क्या क्या होता है स्पॉटिंग्स में जिप्सम प्रोडक्ट्स रख सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करना होगा आपको वैक्सेस डेंटल इन्वेस्टमेंट मटेरियल इम्प्रेशन मटेरियल्स डेंटल सीमेंट्स डेंटल एमेलगम एक्सेट्रा जनरल पैथोलॉजी जो भी आपकी बॉडी से रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं आपको जनरल पैथोलॉजी के अंडर पढ़ने होते हैं जनरल पैथोलॉजी की स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं रॉबिन्स एंड हर्ष मोहन आई बुक ऑफ पैथोलॉजी बाई हर्ष मोहन इट्स अ वेरी सिंप्लीफाइड बुक एज कम्पेयर टू रॉबिन्स माइक्रोबायोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी में आपको सभी माइक्रोब्स के बारे में पढ़ने को मिलता है एग्जाम्पल बैक्टीरिया फंगई वायरसेस प्रोटोजोन्स माइक्रोबायोलॉजी की स्टैंडर्ड बुक होती है अनंत नारायण एंड पानिकल्स टेक्स्ट बुक ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बट आई प्रेफर टेक्स्ट बुक ऑफ माइक्रोबायोलॉजी फॉर डेंटल स्टूडेंट्स बाई सी पी बवेजा इट कैन इजिली क्लियर कॉन्सेप्ट for manual of microbiology i would prefer practical pathology and microbiology for dental students by cp baveja general pathology and microbiology एग्जाम एग्जाम पैटर्न का क्या पैटर्न होता है जनरल पैथोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी दोनों ही अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं लेकिन इनका एग्जाम एक साथ होता है एक थ्योरी होता है और एक प्रैक्टिकल होता है सेवेंटी मार्क्स का आपका थ्योरी का पेपर होता है थर्टी मार्क्स का आपका वाइवा होता है प्रैक्टिकल्स आपके हंड्रेड मार्क्स के होते हैं ये जो वाइवा होगा आपका थर्टी मार्क्स का ये कब होगा ऑन द डे ऑफ प्रैक्टिकल्स

फार्माकोलॉजी फार्माकोलॉजी में आपको ड्रग्स के बारे में पढ़ने को मिलता है एग्जाम्पल उनकी क्लासिफिकेशन उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन उनके एडवर्स इफेक्ट्स उनके यूजेस एडवांटेजेस इंट्रैक्शन ये सब आपको पढ़ने को मिलेंगे। फार्माकोलॉजी की स्टैंडर्ड बुक होती है एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल फार्माकोलॉजी बाय केडी त्रिपाठी एंड फार्माकोलॉजी बाय सतोषकर For pharmacology, I would prefer pharmacology for dentistry by Shan Shanbag. Pharmacology exam pattern, exam का क्या pattern होता है pharmacum? एक theory होता है और एक practical होता है। 70 marks का आपका होता है theory का paper और 30 marks का आपको होता है viva on the day of practicals. प्रैक्टिकल्स आपके हंड्रेड मार्क्स के होते हैं प्रैक्टिकल्स में आपको प्रैक्टिकल्स में आपको एक तो प्रिस्क्रिप्शन लिखना होता है एक आपकी स्पॉटिंग होती है और एक आपको कोई भी एक प्रिपरेशन करनी होती एग्जाम्पल टूथपेस्ट ओ आर एस ये सब आपको प्रिपेयर करने को बोला जाता है प्री क्लिनिकल प्रोस्टोडोंटिक्स द बेस्ट बुक फॉर द प्री क्लिनिकल प्रोस्टोडॉन्टिक्स इज मैनुअल ऑफ बाय एस लक्ष्मी इसका कोई थ्योरी एग्जाम नहीं होता है इसका सिर्फ प्रैक्टिकल होता है वो भी हंड्रेड मार्क्स का प्रैक्टिकल में आपको टीथ अरेंजमेंट करना होता है और आपका एक वाइवा होता है प्री क्लिनिकल कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री प्री क्लिनिकल कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री की बेस्ट बुक है Preclinical Manual मैनुअल ऑफ Dentistry डेंटिस्ट्री एंड एंडोडॉन्टिक्स V. वी गोपी कृष्णा इसका कोई थ्योरी पेपर नहीं होता है इसका सिर्फ एक प्रैक्टिकल होता है क्योंकि प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट है प्रैक्टिकल जो होता है वो होता है आपका हंड्रेड मार्क्स का प्रैक्टिकल में आपको एक तो आपका वाइवा होता है और एक आपकी कैबिटी प्रिपरेशन होती है और उसके बाद उसकी फिलिंग करनी होती है ऑन द आर्टिफिशियल टूथ हाउ टू स्टडी टिप्स. Old exams. अपनी यूनिवर्सिटी के पुराने फनी साउंड करे और ताकि आप उन्हें भूल ना पाए ट्राई मेकिंग सिंपल नोट्स इन द्लो चार्ट एंड डायग्राम ऑर्गेनाइज स्टडी ग्रुप्स विद योर फ्रेंड्स गेट योर बेसिक्स क्लियर I hope this video will be helpful. Do you like this video? Comment below, share it with everyone. If you are new to this channel, do subscribe and don't forget to press the bell icon for all the notifications. Thank you everyone for listening.